हेलो गाइस, आज हम लोग खेलेंगे बहुत ही मजेदार गेम जिसमें हम लोग बनेंगे एक कैट। ये रहे हम और ये रही हमारी मॉम यानी के कैट। उसको छोड़ो, ये देखो हमारे पास तो एक सांप आ रहा है और हमारे पास दो ऑप्शन है। हम लोग इस सांप के साथ फाइट करें या फिर अपनी मॉम को जगा लें। इस सांप की तो इसको तो मैं लट्टू की तरह घुमा कर फेंकूंगा। ये लो। और आप हमारी मॉम कह रही है कि जगह सेफ नहीं है, इसलिए हमें अपनी आंटी के घर जाना होगा। अब तो ये दोनों रोड क्रॉस कर रहे हैं। अरे जल्दी जल्दी जाओ, मुझे तो काफी डर लगता है कहीं कोई गाड़ी वाड़ी वाला हमें मारी ना जाए। बोलो गाइस, ये क्या, इस गाड़ी वाले ने तो हमारी मॉम को मार दिया। गाड़ी वाले ने तो हमारी मॉम को काफी बुरी तरह मारा है। हमारी मॉम तो कह रही है कि हमें इस कार वाले से बदला लेना होगा। ओ नो गाइस, हमारी मॉम तो ऊपर वाले के पास चली गई। और आप हमारे पास दो ऑप्शन है, हम लोग यहाँ पर बैठ कर रोते रहे या फिर इस गाड़ी वाले से बदला ले। फौरन से हम लोग इस गाड़ी का नंबर नोट कर लेते हैं। और अब हमें इस गाड़ी वाले का फेस भी नोट करना होगा, तो चलो जल्दी से इसकी पिक खींच लेते हैं। तो गाइस, हमें उस तक पहुँचने के लिए पुलिस की मदद लेनी होगी। इस पुलिस वाले से मैं बात करता हूँ। अरे बुद्धू गए कि हमें इस पुलिस वाले से बात नहीं करनी। अरे शीशी, तुम्हें यहाँ पर क्या चाहिए, भागो यहाँ से। ये डॉग हमारी कुछ मदद कर सकता है। अरे तुम लोग बताओ तुम्हें क्या मसला है। हमें कार का नंबर और उसके घर का एड्रेस चाहिए, क्या तुम हमारी मदद कर सकती हो। सबसे पहले तुम लोग मुझे एक बर्गर और जूस दो, तब मैं तुम लोगों की मदद करने के लिए सोचूंगा। गाइस ये तो मेरी तरह काफी भूख है, अब हमें इसके लिए कुछ खाने को लाना होगा। ये देखो सामने बर्गर का स्टॉल है, उसके पास मील भी है, तो चलो जल्दी से इसके पास जाते हैं। और ये मैंने मील उठा लिया, भागू यहाँ से। ये लो तुम्हारा मील। और अब हमें जल्दी से इस कार वाले का एड्रेस चाहिए। तो फिर रात को आ जाना, तुम्हें मैं सारा प्लान बता दूंगा कि आगे क्या करना है। और ये देखो दोस्तों, रात हो चुकी है और अब हमें पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर उस फाइल को चुराना होगा। तुम्हारी इस फाइल को लाने के लिए मेरा ये छोटू काम कर देगा। तो गाइस, अब हम लोग पुलिस स्टेशन आ चुके हैं और अब हमें इस छोटू के पीछे पीछे जाना होगा और इस हिट माइस फाइल को जल्दी से उठा कर लाना होगा। तो चलो जल्दी जल्दी से इसके पीछे जाते हैं। और अब हमें जल्दी से पुलिस वालों से भी बचना होगा। और अब हम लोग इस हिट माइस फाइल के बिल्कुल करीब है। बिल्कुल करीब नहीं, बल्कि हम लोग तो पहुँच ही चुके हैं। तो चलो जल्दी से इस पहली वाली फाइल को उठा लेते हैं। इसमें तो उस कार वाले का एड्रेस भी लिखा है। और अब हम लोग उस कार वाले के घर जा रहे हैं। ये तो वही कार है ना। अरे हाँ, लगता है हम लोग ठीक जगह पर आया और यही इसका घर है। वो देखो गाइस, सामने एक औरत जा रही है, इसके पीछे पीछे चलते हैं, क्या पता ये हमारी कुछ मदद कर दे। तो चलो इसका पीछा करते हैं, लगता है इस आंटी ने हमें स्नेचर समझ लिया है। और ये आंटी तो अब हमसे पूछ रही है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। वो हमें आप बहुत अच्छी लगी थी, इसलिए हम आपका पीछा कर रहे हैं। अरे बेटा तुम तो काफी स्वीट हो, तुम हमारे घर में चलो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए रखूंगी। अरे वाह, ये तो सोने पर सुहागा हो गया। तो चलो गाइस, जल्दी से इन आंटी के पीछे पीछे चलते हैं। गाइस रात तो काफी हो चुकी है और मुझे काफी अकेले में डर लग रहा है। ये क्या, हमारे घर में तो स्नेचर घुसा है, सारे के सारे पैसे मुझे दो वाला, मैं तुम दोनों को मार दूंगा। दोस्तों अब हमारे पास दो ऑप्शन है, हम लोग अपने हैंड को ऊपर कर दे या फिर इस थीफ के ऊपर अटैक करें। इस थीफ की तो ऐसे की तैसे, चलो इसके ऊपर अटैक करते हैं। अरे वाह गाइस, फाइनली आप लोगों ने इसको मार के भगा दिया। अरे वाह, तुम तो स्टार निकले, तुमने तो इस रोबोट की छुट्टी कर दी। और ये आंटी अब हमें शॉपिंग के लिए लेकर आई है और ये हमसे पूछ रहे कि हमें कौन सी चीज पसंद है। मेरे पास एक बहुत बढ़िया प्लान है, चलो इस कैक्टस को खरीद लेते हैं। अरे दोस्तों, हमने कैक्टस को तो खरीद लिया है, लेकिन अब आप लोग इसका करेंगे क्या। वो देखो दोस्तों, सामने तो इस मैन की मैडम आई है। अब आएगा ना मजा, और इस कैक्टस को हम लोग इस मैडम के नीचे रखेंगे। अरे वाह गाइस, ये तो बड़े काम का आइडिया है, तो चलो जल्दी से हम लोग इसके पास जाते हैं। तो चलो इस कैक्टस को हम लोग इस सीट के ऊपर रख देते हैं और अब ये इसके ऊपर बैठ गई। के तुम अपने बॉस से मजाक करते हो, तुम्हें तो मैं आज ही नौकरी से रफू चक्के करती हूँ, भागो यहाँ से। सॉरी मैम, मुझसे गलती हो गई। अरे बेटा अभी तो शुरुआत है, देखते जाओ आखिर तुम्हारे साथ होता है क्या। दोस्तों ये देखो, इस मैन के तो फ्रेंड्स आया और ये पार्टी करने का सोच रहे हैं। अरे हाँ, तुम इनको एक बार पार्टी करने दो, इनकी पार्टी को तो हम लोग बर्बादी का दिन बना देंगे। रात हो चुकी है और इसके फ्रेंड्स भी आना शुरू हो चुके हैं। अब हम लोग चुपके से इसके घर आ चुके हैं। ओह माय गॉड गाइस, यहाँ पर तो काफी अच्छी पार्टी चल रही है। तो चलो फौरन से इस लाइट को बंद कर देते हैं। अरे क्या कहीं यहाँ पर भूत बुद्ध नहीं आ गए, लाइट किसने बंद कर दी। अरे घबराओ नहीं फ्रेंड, मैं लाइट वापस से आउट कर देता हूँ। दोस्तों ये तो काफी शातिर निकला, इसने तो लाइट फिर से ऑन कर दी, लेकिन घबराओ नहीं गाइस, हम लोग इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे इतनी आसानी से। दोस्तों मुझे तो काफी भूख लगी है, तो चलो कुछ पेट पूजा हो जाए। अरे वाह, तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी, तो चलो जल्दी से हम लोग इस खाने के ऊपर अटैक कर देते हैं। और अब इसका जितना भी खाना है हम लोग सारा खा लेंगे। अरे क्या, इसलिए तो मेरा सारा खाना खा दिया। अब हमें जल्दी से यहाँ से भागना होगा, वरना ये कहीं हमें पकड़ ही ना ले। आज से तुम हमारे चाइल्ड रूम में रहोगे। अरे वाह, ये तो हमारे लिए काफी खुशकिस्मती की बात है, हम लोग तो इस चाइल्ड रूम में जा रहे हैं।
ऐसे तो ये मैन भी हमारी नजर के सामने ही होगा। और ये जो भी एक्टिविटी करेगा उसे हम लोग देख सकते हैं। ये मैन तो कह रहा है कि मुझे किसी काम से जाना है, हमें जल्दी से कोई प्लान सोचना होगा। मेरे पास काफी बढ़िया प्लान है, क्यों ना हम लोग इस कार की ये ब्रेक ही फेल कर दे। चलो चलो जल्दी से चलते हैं, उसकी कार की ब्रेक फेल कर देते हैं। अरे ये रही इसकी ब्रेक, तो चलो जल्दी से इसकी तार ही काट देते हैं। दोस्तों फाइनली हमने इसकी कार की ब्रेक को काट लिया है और ये तो अब जा रहा है। आज तो इसका आखिरी दिन होने वाला है, तो चलो दोस्तों जल्दी से हम लोग इसकी कार का पीछा करते हैं। ये क्या हो रहा है मेरी कार के साथ, मेरी कार काम नहीं कर रही और इसकी ब्रेक भी फेल हो चुकी है। बल्ले बल्ले शाबाश शाबाश, अब तो इसकी कार कंट्रोल नहीं और इसका तो एक्सीडेंट भी हो चुका है। बचाने के लिए तो एम्बुलेंस भी आ चुकी है। अरे हटो हटो, आगे से किस जानवर का एक्सीडेंट हुआ है। इन लोगों ने तो इसको जानवर ही बना दिया। तो दोस्तों अब हम लोग जल्दी से छुप कर इस एम्बुलेंस कार में बैठ जाते हैं। अरे वाह यार, ये तो हमने सोचा ही नहीं था, तो चलो जल्दी से अपनी काली पोटी को इसके मुंह के ऊपर मार दो। जोर लगा जान, लगता है जान ने एसिड वाली पोटी इसके मुंह पे कर दी है। अरे क्या मैं कहां पर आ गया, चुप करके लेट जा वरना हम लोग तुम्हें बाय फेंक कर चले जाएंगे। अरे वाह गाइस, ये तो इसको एम्बुलेंस में डाल कर ले गए, हमें तो काफी मजा आया। पर अब हम लोग घर आ चुके हैं लेकिन घर की लाइट ही खराब है। ओ ये क्या, हमारा मालिक तो कह रहा है इसे हम लोग कल ठीक करेंगे लेकिन हमसे गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही। अंकल जी आपको तो आज ही इस लाइट को ठीक करना होगा वरना मैं रात को सबक नहीं पढ़ पाऊंगा। अरे सिंचा तुम्हें तो सबक ही पढ़िया लेकिन मेरा फेवरेट कार्टून ही चला जाएगा। अरे ओके ओके मैं ठीक करने वाला हूँ। गाइस उस बात को तो काफी दिन बीत चुके हैं और ये देखो ये रहा वो बंदा। अगर ये हमारी मोम को सॉरी करेगा तो हम लोग इसको छोड़ देंगे, वरना तो आज इसका आखिरी दिन होने वाला है। तो चलो जल्दी से इसके पास जाते हैं। चलो जल्दी से इसको सच सच बताते हैं कि तुमने हमारी मोम को गाड़ी के नीचे कुचल दिया था। अरे भाग जा वरना मैं तुमको भी मार दूंगा। लगता है ये ऐसे नहीं सुधरने वाला, हमें इसको ठीक करना होगा। तो चलो दोस्तों आज तो हम लोग इसके मुंह का बुरा हाल कर देंगे, इसके तो घर वाले भी इसको नहीं पहचान पाएंगे। तो चलो इसको जैकी चैन का पंजा मारते हैं। ये लो, तुम लोगों ने तो मेरे फेस का बुरा हाल कर दिया, मैं तो अब किसी को अपना मुंह भी नहीं दिखा पाऊंगा। तो चलो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही था, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।